हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसमें देखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कैसे करना है। ठीक है, इसको अब हम लोग देखेंगे तो कैंसिल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी खोला है सेल्स साइकिल में डिलीवरी को। लेकिन जनरली होता क्या है, जब सेल्स साइकिल में आपने सेल्स ऑर्डर हो या फिर सेल्स रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, ये सब डॉक्यूमेंट पे कोई अकाउंट इम्पैक्ट नहीं जाता है। अकाउंट इम्पैक्ट कहाँ से शुरू होता है, डिलीवरी से शुरू होता है। तो आप ये देखेंगे डिलीवरी में, जब मैं रिलेशनशिप मैप इसका देख रहा हूँ तो ये क्या है, ये जो आपका डिलीवरी या डिस्पैच जिसको बोलते हैं, ये है आपका डायरेक्ट बना। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करने का तरीका बता, तो कैसे करना। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर ये कैंसिल पे आप लगाएंगे, इस तरह से करेंगे तो ये आपका डिलीवरी कैंसिलेशन का स्क्रीन आएगा। अब दो तरीके हैं, जब ये कैंसिल करेगा तो क्या होता है कि आपके इसके रिवर्स ट्रांजेक्शन जाते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक डॉक्यूमेंट तो बनेगा कैंसिल का, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या बनेगा जो इसका रिवर्स ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट होगा वो, और उसके बाद वो क्लोज होगा। तो आप इसी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, मैनुअल जाइए और मैनुअल जाके आप यहाँ पे आप उस सीरीज को भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रेगुलर मैनर में जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप उसकी जनरल एंट्री देखेंगे तो ये देखिए, जनरल एंट्री में आपको दिखाई देगा कि इसका रिवर्स ट्रांजेक्शन का क्या है जनरल एंट्री, तो वो देखेंगे। और इसको कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं हमको क्या है। इंटर वैलिड नंबर डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि ये वन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम इस पर दो नंबर डाल देते हैं। आपको हीट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा, या फिर आपको याद होना चाहिए, अगर डिलीवरी आप करते हैं तो आपको याद होनी चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट तक अभी तक डॉक्यूमेंट बन चुका है। ठीक है, तभी जाके ये भी बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन्स मैनुअल इसमें सीरीज नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट सीरीज इसमें बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिया, इसको एड किया, ये अभी फिर से बोलेगा इसमें प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है वो मैं अभी जाऊँगा कहाँ पे, डॉक्यूमेंट सीरीज में जाऊँगा। सर डिलीवरी पे अभी तक 21 बन चुका है मिनिमम। ठीक है, तो 21 डॉक्यूमेंट्स बना हुआ तो मिनिमम ही बन रहा है, तो हमें 22 पे ट्राई करना चाहिए। तो मैं आता हूँ 22 पे, यहाँ पर कैंसिलेशन। ठीक है, और ये बनाते हैं हम लोग 22। मैनुअल मैंने खोला इसको और इसको कर दिया 22। ठीक है, इसको फिर हमने एड किया, ये ओके हो गया, यस किया, ये आपका डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कैंसिल जब होगा तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है उसका क्या होता है, जस्ट ये रिवर्स हो जाता है। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट क्या है, क्लोज हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो गया। और इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स, जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे कि कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ये देखिए, ये आपका कैंसिल हो गया, इसमें मैनुअल से भी है, कोई डॉक्यूमेंट सीरीज चल नहीं रहा है, तो मैनुअल के केस नहीं चल रहा है। तो 21 नंबर पे ये डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गया, और 22 नंबर पे क्या हो गया, इसका क्लोज ये ट्रांजेक्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करते हैं। तो डिलीवरी किया, इसी तरह से अब हम लोग आते हैं एआर इनवॉइस पे, देखते हैं एआर इनवॉइस पे आएंगे तो इसको चेक करते हैं कि कितने एआर इनवॉइस ओपन है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर हम बनाएंगे, अगर है तो हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपका ऑलरेडी क्लोज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एआर इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गया, इसको डुप्लीकेट कर दिया, ये जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं इसी को मैंने डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने से क्या हुआ कि हमें कस्टमर वगैरह सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, और कस्टमर से सिलेक्ट करेंगे ये सारे क्वान्टिटी जो है वो ऑलरेडी इसी तरह से रहेंगे। तो हमने कस्टमर पे यहाँ पे क्लिक करिए, कस्टमर क्लिक करने के बाद हम, ये कस्टमर है, हमने इस कस्टमर को ले लिया। ठीक है, कस्टमर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या चेंज करने हैं जो डेटा आप रो में है, नहीं करने हैं, इसको मैंने दो क्वांटिटी कर दी है। ठीक है, और इसके बाद मैंने डेट वगैरह डाल के इसकी जो भी है ये चीज़ें मैं इस पर डाल के और इसको क्या करूँगा, ए आर इनवॉइस बना लूँगा। क्लियर, ए आर इनवॉइस बनाने के बाद फिर मैं इसको कैंसिल करके लगाता हूँ। जैसा पूछ रहा है कि अभी होल्डिंग टैक्स लगानी है, ओके ठीक है, ये बोल रहा है फिर क्रेडिट लेना, तो इसमें क्रेडिट लेना बना हुआ है तो यस इसको कर दिया, यस करना है, यू कैन नॉट सेंड द डॉक्यूमेंट आफ्टर कंप्लीशन। तो ये हमारा ए आर इनवॉइस बन गया, ये हमारा एक्चुअल में पोस्टिंग डेट आपका नंबर 3, और ये आपका ए आर इनवॉइस बन गया।
एयर इन्वॉइस बनने के बाद अब हम इसको कैंसिल करते हैं। इसकी अगर जनरल एंट्री आप देखेंगे तो ये चेक कर लीजिए जनरल एंट्री क्या जा रही है। ये है जनरल एंट्री, कस्टमर हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो गया, और ये जो आपका SGST CGST अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो आपका क्रेडिट हो गया, रॉ मटेरियल है वो क्रेडिट हो गया, दो आइटम है इसमें, और कॉस्ट फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपका डेबिट हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि फिनिश गुड जो है वो आपका ये है। ठीक है, ये कितने अमाउंट का है, कितने अमाउंट का आपका ये रॉ मटेरियल दिखा रहा है। ठीक है, तो उसकी अमाउंट का आपका दोनों चल रहा है पैरेलल में, इस तरह से आपका जनरल एंट्री दिखाएगा। जनरल एंट्री देख लिया अब हमने, अब हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो अभी आप क्या देख रहे थे कि कस्टमर हमारा डेबिट हो रहा था, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ओपन हुआ, अब मैं यहाँ पे इसकी जेई चेक करता हूँ। तो जनरल एंट्री देखिए जो डेबिट हो रहा था वो क्रेडिट होगा, तो देखिए आपका ये डेबिट हो रहा था क्रेडिट हो गया, तो कस्टमर था। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं GST वाला वो आपका डेबिट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये हो गया, रॉ मटेरियल ये, और इस तरह से आपका काम जनरल एंट्री जा रहा है, जस्ट उसका रिवर्स चला गया। ठीक है, अब हम इसको जब ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जाकर हम मैनुअल सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए कि मैनुअल डॉक्यूमेंट चल रहा है तो या नहीं, अगर वन पे नहीं चला है, वन पे शायद पहले मैंने बना रखा है, मैं तीन नंबर चेक करता हूँ, तीन नंबर पे नहीं बनाया, अगर होगा तो एरर देगा, तो थ्री नंबर पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया। ठीक है, ऐड करने पर देखते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम तीन नंबर के बाद चार नंबर चेक करेंगे, इसको फोर नंबर। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक बना होगा उसके आगे ही बनेगा, फोर अगर मैंने किया तो अब देखिए ये देता है या नहीं, तो इसको मैंने एड कर दिए। एड करने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट फोर नंबर तक खोल, ये फोर नंबर पर क्लोज हो गया, और कैंसिल जो हुआ था वो कैंसिल कौन सा, तीन नंबर जो आपका डॉक्यूमेंट्स भी चल रहा था उस बीच में था, ये आपका देखिए चार नंबर पे ये क्लोज है और आपका तीन नंबर पे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपका कैंसिल जो अभी हमने बनाया था और ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो मैनुअल पे क्लोज हुआ, ये पहले से क्लोज का है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं डॉक्यूमेंट को कैंसिल करते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर करना है कैंसिल करना है तो उसी तरीके से करते हैं, जहाँ पे वो आपका डिलीवरी हो, एयर इनवॉइस हो, एयर क्रेडिट मेमो हो, या फिर आपका एयर इनवॉइस प्लस पेमेंट हो, इसका कोई भी हो, तो इसी तरह से करते हैं। अगर आप AP की बात करेंगे तो AP के केस में भी आपका यहाँ से शुरू होगा, गुड्स रिसीप परचेज ऑर्डर से अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है तो इसको आप कर सकते हैं, या AP इनवॉइस है तो AP इनवॉइस के केस में भी इसी तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद ये आपका क्लोज है, इसे डुप्लीकेट नहीं होंगे, इसके डुप्लीकेट करते हैं, एक मिनट। हम लोग AP इनवॉइस को देखते हैं कि AP इनवॉइस को कैसे कैंसिल करेंगे, तो AP इनवॉइस के केस में अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं इसको छोड़ के मैं कोई दूसरा बना लेता हूँ, AP इनवॉइस में बहुत सारे आइटम्स ले रखे हैं। ठीक है, और आपका इम्पोर्ट का केस है तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कोई दूसरा बना लेता हूँ, तो ये हो गया। और AP इनवॉइस आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर आपका विंडोज सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, विंडोज सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, जितने भी आइटम आप परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो भी है आपका, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ये कर लें, ये ले लिया। ठीक है, क्लिक करने पर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे तीन, यहाँ पे भी डाल देंगे थ्री, यहाँ पे भी डाल देंगे थ्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसकी यूनिट प्राइस, जो भी यूनिट प्राइस होंगे वो इस तरह से डाल के हम पहले AP इनवॉइस बना लेते हैं, इसको AP इनवॉइस बन जाएगा। उसके बाद हम इसको अब इसमें आइटम पे चेक कोड नहीं आ रहा,
इसका मतलब है कि इस आइटम पे मैच किया हुआ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। अगर ये आइटम पे मैच किया हो रहा था तो आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ये टेक्स्ट आता। ठीक है, ये आपका इस तरह से हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अगर कुछ वेंडर का डॉक्यूमेंट्स नंबर वगैरह है तो आप डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, तो ये आपका एपी इनवॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एपी इनवॉइस बन गया। एपी इनवॉइस बनने के बाद ये नहीं है, ये आपका ये है। ठीक है, ये मैं अभी शायद आज का डेट में नहीं है, आज के डेट में नहीं है, पहले से है ये। तो चार पांच आई थिंक ये है, ये ओपन है, हम इसे रजिस्टर कहाँ पर लगे हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट, ये जो हमने बनाया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इस पर कैंसिल का क्लिक कीजिए। कैंसिल जब कर दिया, फिर हमने अब इससे पहले वाले डॉक्यूमेंट में क्या था, ये कैंसिल स्क्रीन आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे ये डॉक्यूमेंट क्या आ जाएगा आपको कैंसिल। ठीक है, अब कैंसिल होगा तो क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स है ये दो डॉक्यूमेंट्स ये बनाएगा, एक तो बनाएगा आपका जो ये क्लोज होगा वो, ठीक है, और दूसरा ये देखिए ये हमने अभी बनाया था, ये आपका ये डॉक्यूमेंट है जो हमारा क्या हुआ था, कैंसिल हुआ, ठीक, क्लोज हो गया, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। और कैंसिल किसको किया, इससे पहले वाला जो डॉक्यूमेंट था उसको इसने कैंसिल कर दिया। ये देखिए ये नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये ऐसा कैंसिलेशन है। और ये उससे पहले वाला क्या है आपका जो था वो आपका क्लोज था। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो वारी है आपका वेंडर वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और कैंसिल वाले में क्या होगा, यही क्रेडिट अमाउंट क्या होगा, इतना ही से डेबिट हो गया है। तो आप इसमें चेक करिए तो ये क्लोज वाला ये नहीं है आपका, ये है। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ये हो गया आपका यहाँ पे जनरल एंट्री, तो जो आपका क्रेडिट हो रहा था यहाँ पे डेबिट हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर सीरीज मेंटेन करना चाहते हैं तो मैनुअल ड्रॉप डाउन ले लीजिए और उसमें आप इसको लेके आप बना सकते हैं मैनुअली। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एपी इनवॉइस को कैंसिल करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है, एपी इनवॉइस है या इनवॉइस है, या फिर आपको एपी क्रेडिट मेनो है, एपी डेबिट मेनो है, जीआरपीओ है, सभी डॉक्यूमेंट जहाँ पर अकाउंट इंजेक्ट कर रहा है वहाँ पे इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आपने से जिन्हें भी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, हमारे साथ सेशन ज्वाइन करनी है, 15 मई से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इम्प्लीमेंटेशन करानी है शायद B1 की, तो हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 5109-7413। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस अगर कोई कंपनी है जिसको कि इम्प्लीमेंटेशन करानी है शायद B1 की, तो हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप 15 मई से हम नए नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।